हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आदम मुकेश राज, आप देख रहे हैं एमजी एडिट जॉन। सो गाइस, आज के एडिटिंग में आप लोगों को कुछ इस टाइप से डार्क ग्रे टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से, और भी बहुत आसान तरीके से। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखना, एंड हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारे ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपने लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे, एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, एंड अपनी गैलरी से एक फोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। ओके गाइस, जैसे मैं अपनी गैलरी पे आ गया हूँ, एंड यहाँ से कोई भी एक फोटो को लेता हूँ, जैसे मैं इस वाले फोटो को लेता हूँ, एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फोटो लाइटरूम में ऐड हो चुकी है। ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर है हमारी फोटो, इस पर क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फोटो लाइटरूम में ओपन हो चुकी है, एंड एडिटिंग के ऑप्शन आ चुके हैं। तो गाइस, सबसे पहले इस फोटो की हम लाइट एडजस्ट करेंगे, तो उसके लिए हम जाएंगे लाइट के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे, एंड यहाँ क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से एक्सपोजर की वैल्यू को हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो गाइस, एक्सपोजर की वैल्यू को यहाँ से करते हैं -0.72, एंड यहाँ से हाईलाइट की वैल्यू को भी डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो गाइस, हाईलाइट की वैल्यू को यहाँ से करते हैं -35, एंड नेक्स्ट जाते हैं कलर पे, इस वाला आइकन पे, एंड यहाँ क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो गाइस, टेम्परेचर की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +28, एंड यहाँ से टेंट की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो गाइस, टेंट की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +21, एंड यहाँ से वाइब्रेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। तो गाइस, वाइब्रेंस की वैल्यू को यहाँ से करते हैं -14, एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाला आइकन पे, एंड यहाँ क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से जाएंगे हम ऑरेंज कलर पे, एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को हम डिक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो सही लगे। तो इसकी वैल्यू को हम -26 रखते हैं, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो थोड़ा ब्राइट लगे। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं +18, एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे, एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को करेंगे -100, एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन को भी कर देंगे -100, एंड इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से हम डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो गाइस, इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं -20, एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे, एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी भी ह्यू की वैल्यू को करेंगे -100, एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन को भी कर देंगे -100, एंड इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो गाइस, इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं -24, एंड नेक्स्ट जाते हैं पर्पल कलर पे। तो गाइस, जो हमारी क्लोथ है वो पर्पल टोन में है। ठीक है, तो यहाँ से पर्पल टोन की ह्यू की वैल्यू को हम करेंगे -100, एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन को भी कर देंगे -100, एंड इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ताकि जो हमारी कपड़ा है वो थोड़ा लाइटिंग दे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं +24, एंड नेक्स्ट जाते हैं पिंक कलर पे। तो गाइस, जो हमारे कपड़ा पे है वो हल्का में पिंक कलर है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को कर देंगे -100, एंड ऊपर से कर देंगे डन। सो गाइस, जो हमारी फोटो है काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। इसे और बेटर बनाने के लिए हम जाएंगे इफेक्ट के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे, एंड यहाँ क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो गाइस, क्लैरिटी की वैल्यू को यहाँ से हम +25 करते हैं, एंड यहाँ से DH की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ठीक है, तो गाइस, DH की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +6, एंड यहाँ से विनेट की वैल्यू को हम माइनस की ओर लेके जाएंगे। तो गाइस, विनेट की वैल्यू को यहाँ से करते हैं -46, एंड यहाँ से मीट फॉन्ट की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो गाइस, मीट फॉन्ट की वैल्यू को यहाँ से करते हैं 14, एंड यहाँ से फेदर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो गाइस, फेदर की वैल्यू को यहाँ से करते हैं 76, एंड नेक्स्ट जाते हैं डिटेल पे, इस वाला आइकन पे, एंड यहाँ क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को 20 रखते हैं, एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी फोटो है वो थोड़ा स्मूथ लगे, फटे नहीं। ठीक है, एंड नीचे आते हैं कलर नॉइस रिडक्शन, तो गाइस, इसकी वैल्यू को यहाँ से हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं +30, ताकि जो हमारी बैकग्राउंड कलर है वो बिल्कुल परफेक्ट रूप से स्मूथ लगे। सो गाइस, हमारी फोटो फाइनली एडिटिंग हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं बिफोर हमारी फोटो ऐसी थी, एंड आफ्टर ऐसी। सो गाइस, आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ।
तो आप देख सकते हैं हमारी फोटो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। अगर गाइस आप लोगों को एडिटिंग पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइस इस फोटो को सेव करने के लिए हमें शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड एक्सेप्ट डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट टू फ्लैक्ट।